तो भाई जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो, सिम यूज करते हो, उसके लिए गुड न्यूज है कि भाई आपके नाम पर कितना सिम चल रहा है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि भाई ये पता करने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन भाई आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, उसके मदद से आप कितना अपना नाम पे सिम एक्टिवेशन है सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हैं, और कौन सा सिम एक्टिव है, अभी कौन सा यूज कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको पता लगेगा। तो भाई आपको कैसे दिखना है, तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो भाई सिंपली आपको ओपन कर लेना अपना गूगल क्रोम ब्राउजर को, हम कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ फिलहाल, अभी आपको मोबाइल में चल जाना है, मोबाइल से आप कर सकते हैं। आपको सर्च बार में जाके आपको tapcoff.com लिख के सर्च करना है सिंपली, ठीक है भाई। आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को बंद कर सकते हैं और अपना नाम पे कितना सिम है वो देख सकते हैं। तो भाई सिंपली यहाँ पे आपका नंबर भर लेना, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी क्लिक करना पड़ेगा, जो नंबर आप दिया है उस नंबर से एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे आप इंटर कर लीजिए। सिंपली इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। तो भाई हम अभी वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं अपना नाम पे कितना सिम एक्टिव है अभी यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे देख सकते हैं, जो यूज नहीं कर रहा उसको भी आप देख सकते हैं। तो भाई आप यहाँ पे अपना नंबर को बंद भी कर सकते हैं। तो सिंपली उस नंबर को आप बंद करने के लिए उस नंबर के ऊपर आपको टिक करना होगा, और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा, जो हम सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम को भर लेना है, नाम को भरने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देख सकते नजर आएगा एक ट्रैक नंबर दिया है, तो भाई उस कॉपी करना है उस नंबर को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप स्टेटस भी उसका चेक कर सकते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टैग स्टेटस पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग में है, तो आप यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि उसको भी हेल्प हो।